अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों, टिकटॉक एप्लीकेशन पर बहुत सारे लोगों ने अपना पर्सनल अकाउंट को बिजनेस अकाउंट में कन्वर्ट कर लिया है। अब वो लोग जब भी पर्सनल अकाउंट में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं तो उनका अकाउंट बिजनेस अकाउंट में ही रहता है, वो लोग अपना जो पर्सनल अकाउंट में कन्वर्ट नहीं कर पा रहे। मैं ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि मुझे बहुत सारे लोगों की रिक्वेस्ट आई है। हालांकि मैंने उनको बताया भी था कि आप इस तरह से कर लें तो वीडियो आपका जो अकाउंट है वो पर्सनल अकाउंट में कन्वर्ट हो जाएगा, लेकिन उन लोगों ने कहा कि हमें भाई वीडियो बनाकर बताएं, हमें इसका सही तरीका बता दें किस तरह से हम अपना जो बिजनेस अकाउंट है उसको पर्सनल अकाउंट में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को यही चीज़ बताऊँ कि आप लोग किस तरह से अपना जो बिजनेस अकाउंट है उसको आप लोग अपने पर्सनल अकाउंट में कन्वर्ट कर सकते हैं। देखिए, बिजनेस अकाउंट और पर्सनल अकाउंट में कुछ ज़्यादा फर्क नहीं है। अगर आप लोगों ने अपने अकाउंट्स को ग्रो करना है तो फिर तो आप लोगों को अपना जो अकाउंट है वो बिजनेस अकाउंट में ही कन्वर्ट करके उसका जो कैटेगरी सेलेक्ट करनी है, तब भी आप लोग ज़्यादा व्यूज गेन कर सकते हैं। पर्सनल अकाउंट में ये होता है कि आपके अकाउंट के ऊपर थोड़ी सिक्योरिटी भी टाइट होती है और जिसके व्यूज हैं वो कहीं ना कहीं कम व्यूज लाजमी आते हैं। ये चीज़ भी देखना पड़ेगी आप लोगों को। अगर तो आप कंटेंट क्रिएटर हैं तो फिर तो आप लोग लाजमी अपने अकाउंट को बिजनेस अकाउंट में कन्वर्ट करें, गेमिंग कैटेगरी, इंटरटेनमेंट, कोई भी कैटेगरी सेलेक्ट करें ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो। अब चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ कि आप लोगों ने किस तरह से बिजनेस अकाउंट को अपने पर्सनल अकाउंट में कन्वर्ट करना है। लेकिन वीडियो की तरफ बढ़ने से पहले अगर आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया, वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो यहाँ पर मैंने टिकटॉक एप्लीकेशन को ओपन कर रखा है। सबसे पहले मैं आप लोगों को चेकआउट भी करवा देता हूँ कि मेरा जो अकाउंट है वो बिजनेस अकाउंट में कन्वर्ट है। इसको मैंने खुद कन्वर्ट करके आप लोगों को दिखाने के लिए कि मैं किस तरह से अपने अकाउंट को पर्सनल अकाउंट में कन्वर्ट कर लेता हूँ। तो बिजनेस सूट यहाँ पर दिया गया है, इसके ऊपर क्लिक करके देख लेंगे बिजनेस क्रिएटिव हब। अब आप लोगों को पता चल गया हो कि मेरा जो अकाउंट है वो यहाँ पर पर्सनल अकाउंट नहीं है, बिजनेस अकाउंट है। उसके लिए ये है कि सबसे पहले तो आप लोगों ने VPN को कनेक्ट करना है। VPN मैंने यहाँ पर कौन सा कनेक्ट किया है वो आप लोगों को चेकआउट करवा दूँ। मेरे पास जो VPN है सुपर VPN भी है और मास्टर VPN भी है, तो इनमें से कोई भी VPN आप लोग यूज़ कर सकते हैं। तो लिंक मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दूंगा, अगर आप लोग VPN का इस्तेमाल करना चाहें तो कर सकते हैं, क्योंकि टिकटॉक एप्लीकेशन पाकिस्तान के अंदर बैन है और हो सकता है कि महीने डेढ़ महीने और भी पाकिस्तान के अंदर बैन रहे तो तब तक आप लोगों को VPN का लाजमी इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा, वहाँ से VPN को इंस्टॉल कर सकते हैं। अब आप लोगों ने क्या काम करना है, सिंपली आप लोगों ने मैनेज अकाउंट पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप लोग देख लेंगे, सबसे पहले आप लोगों ने अपना ईमेल दिया तो ईमेल को वेरीफाई करना है, फ़ोन नंबर दिया तो फ़ोन नंबर के ऊपर क्लिक करके OTP आएगा उसको लाजमी यहाँ पर वेरीफाई करके, यहाँ पर इस तरह से आपके पास इंटरफेस आएगा तो समझ लें कि आपका अकाउंट वेरीफाई हो गया। अब आप लोगों ने यहाँ पर स्विच टू पर्सनल अकाउंट इस पर टैप करना है। टैप करने के बाद यहाँ पर देख लें स्विच टू पर्सनल अकाउंट और तमाम चीज़ यहाँ पर दी गई हैं, शो योर बिजनेस वेबसाइट ये वो फ्लान डमगा, तो इसको आप लोग पढ़ लें। उसके बाद स्विच एनी वे इस पर आप लोग जैसे ही टैप करेंगे देख लें स्विच टू पर्सनल अकाउंट। अब आपका जो अकाउंट यहाँ पर पर्सनल में कन्वर्ट हो गया। अब यहाँ पर देख लें बिजनेस का जो मेरे पास यहाँ पर ऑप्शन आ रहा था वो भी अब नहीं आ रहा। तो इस तरह से आप लोग ये सिंपल तरीके से मैंने जो यहाँ पर VPN को कनेक्ट किया है, आप लोगों ने भी सिंपली VPN को कनेक्ट करना है। जो VPN मैंने कनेक्ट किया है उसको करना है तो लिंक आप लोगों को मिल जाएगा, वहाँ से इंस्टॉल कर लें। उसके बाद आप लोगों ने यहाँ पर क्लिक करके अभी यहाँ पर देख लें स्विच टू बिजनेस अकाउंट, इस पर दोबारा क्लिक करके मैं आप लोगों को दोबारा पर्सनल अकाउंट में कन्वर्ट करके भी दिखा देता हूँ। जैसे मैं इसके ऊपर टैप करता हूँ, अब टैप करने के बाद यहाँ पर थोड़ी लोडिंग हो रही है, सिंपली नेक्स्ट पर मैं क्लिक कर लेता हूँ। क्लिक करने के बाद कोई भी कैटेगरी आप लोग यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं, पब्लिक फिगर भी यहाँ पर अवेलेबल है मेरे ख्याल में, पर्सनल ब्लॉग सारी चीज़ें यहाँ पर मौजूद है। सिंपली मैं गेमिंग के ऊपर क्लिक करके नेक्स्ट कर लेता हूँ। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पर देख लें हमारा जो अकाउंट है वो बिजनेस अकाउंट में कन्वर्ट हो गया। अब दोबारा आप लोगों ने यहाँ पर थ्री डॉट पर क्लिक करना है, मैनेज अकाउंट पर क्लिक करना है, स्विच टू पर्सनल अकाउंट स्विच एनीवे। तो ये सिंपल सा तरीका है। आप लोग पता नहीं किस तरह से अपने पर्सनल का अपने बिजनेस अकाउंट को पर्सनल अकाउंट में कन्वर्ट करे थे और आप लोगों से भी अपना अकाउंट कन्वर्ट नहीं हो रहा था। तो मुकम्मल प्रोसीजर मैंने आपको बता दिया किस तरह से आप लोग अपने बिजनेस अकाउंट को पर्सनल अकाउंट में कन्वर्ट कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।